नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक 2020-21 क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक के सेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंतर्गत जो आपके राइटिंग स्किल पूछी जाती है, जिसमें लेटर, एप्लीकेशन, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिपोर्ट, कंपोजिशन, है ना, सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, और हर प्लेलिस्ट के एक एक वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपकी न्यू क्वेश्चन बैंक जो है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम हल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं। तो सेक्शन बी में आपका राइटिंग स्किल आता है, राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, जैसे यहाँ पर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे यू आर बी रेडी ऑफ भोपाल, यू वांट टू लेट आउट ए हाउस, लेट आउट, है ना, एलईटी, लेट का अर्थ होता है, लेट का अर्थ होता है जैसे किराए पर लेना। टू लेट आपने पढ़ा होगा कहीं पर, है ना, टू लेट का अर्थ होता है किराए पर देना। ठीक है, यू वांट टू लेट आउट ए हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर। इस क्वेश्चन को हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो जो जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पर हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाए हैं उनको हम मार्क कर रहे हैं, और कौन कौन से वीडियोस आपको कहां पर मिलेंगे वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूं, और उनको कैसे तैयार करना है। तो एक तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें लेट आउट वाला क्वेश्चन हम इसको मान रहे हैं। ठीक है, टू लेट वाला, माफ कीजिएगा, टू लेट, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, यू आर अंकित गुप्ता, यू हैव फाउंड ए स्कूल बैग इन योर स्कूल कंपाउंड, प्रिपेयर ए लॉस्ट फाउंड नोटिस। अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है और कहां पर आपको इसका आंसर मिलेगा, तो हमारे चैनल के माध्यम से एक राइटिंग स्किल के नाम से प्लेलिस्ट हमने बनाई है। उस राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो जो सेक्शन बी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर टू भी आपको वहीं पर मिलेगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बात करें, जैसे यू आर आलोक गुप्ता द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट एंड नोटिस गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ टू पार्टिसिपेंट फ्रॉम योर स्कूल टू टेक पार्ट इन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपको राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट में मिलेगा, इसको पहले ही मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर फोर की हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर फोर जो है ये है से नो टू ड्रग्स के ऊपर आपको पोस्टर प्रिपेयर करना है। तो ये भी ऑलरेडी मैं उसको प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, जरूर उसको प्लेलिस्ट में देखिएगा। प्लेलिस्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट है आपकी राइटिंग स्किल के नाम से प्लेलिस्ट है। अगला है डिज़ाइन एंड अट्रैक्टिव एंड इंस्ट्रक्टिव पोस्टर ऑफ दिल्ली पुलिस टू एजुकेट एंड वार्म द पुलिस अगेंस्ट अनक्लेम्ड आर्टिकल्स लाइक डॉल्स, टिफिन बॉक्स, सूटकेसेस, बैग्स, ट्रांजिस्टर्स, मोबाइल लाइंग इन पब्लिक प्लेसेस, ट्रेन, बसेस। ये है बॉम्ब ब्लास्ट का है। किसका क्वेश्चन है ये? बॉम्ब ब्लास्ट। ओके, तो ये बॉम्ब ब्लास्ट का जो है ये भी मैंने राइटिंग स्किल में डाल रखा है, तो उस राइटिंग स्किल में आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिज़ाइन ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, तो हाउस होल्ड गुड्स के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना है न्यूज़पेपर के लिए, तो इसका आंसर भी हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट में इसको देखें। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, तो यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास ट्वेल्थ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धार, यू हैव फाउंड ए टिफिन बॉक्स इन स्कूल प्लेग्राउंड, प्रिपेयर ए नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड। ये भी आपका फाउंड के लिए है, लॉस्ट एंड फाउंड जो होता है, तो इसको भी हम कंप्लीट करा चुके हैं। ये टिफिन बॉक्स के स्थान पर वहाँ पर स्कूल बैग है, क्या करवाया गया है? स्कूल बैग, तो दोनों सेम ही है, उसमें स्कूल बैग के स्थान पर आपको टिफिन बॉक्स लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, तो विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन डिज़ाइन ए पोस्टर सुटेबल बॉक्स टाइटल डोंट बी ए क्रूअल विद एनिमल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, जैसे लव देम, फीड देम, शेल्टर देम, सेव एनिमल्स, सेव अर्थ,
इसको भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। कौन सी प्लेलिस्ट में? राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट में। इसके आंसर को आप देखें। अगला क्वेश्चन है, डिज़ाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर विथ कैची स्लोगन्स। कैची स्लोगन्स के स्थान पर कई बार वो आई कैचिंग विजुअल भी बोलते हैं। स्लोगन का अर्थ होता है नारा, ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट नहीं किया है। तो दो क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था टू लेट के लिए और दूसरा है ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। तो इसका भी आंसर मैं जल्दी ही आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। अब लेटर्स की बात कर रहे हैं हम, तो लेटर्स में फॉर्मल लेटर है जैसे विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो प्रोड्यूस ए राइट अप ऑफ NSS या NCC कैंप। इसको भी हम कंप्लीट करा चुके हैं, उसको भी जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, प्रोड्यूस ए राइट अप ऑन वैल्यू ऑफ गेम्स। ठीक है, जिसमें ये होने चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गेम्स को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सी वाला है, यू हैव विटनेस्ड एन रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, दोनों चीज़ें एक ही है। तो इसको भी प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट करा के डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर डी है, यू आर कमल एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू हैव ऑर्गेनाइज्ड ए कैंपेन से नो पॉलीथीन बैग्स, ऑलरेडी कंप्लीटेड, प्लीज़ चेक राइटिंग स्किल प्लेलिस्ट। अगला है, लास्ट मंडे यू वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी ए फ्रेंड हु एडमिटेड देयर, यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट प्रोड्यूस ए स्मॉल राइट अप ऑन ए विजिट टू ए हॉस्पिटल। इसको भी हम कंप्लीट करा चुके हैं, राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट में मिलेगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे पीपल इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स रूम, सर्जिकल वार्ड। ओके, अब फॉर्मल लेटर में है, राइट ए लेटर टू MS दीपाली स्टेशनरी मार्ट न्यू मार्केट रतलाम आस्किंग टू सेंड देयर रेट्स एंड टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ स्टेशनरी। ये भी हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, तो इसको भी आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, राइट ए लेटर टू कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट अबाउट लैक ऑफ फैसिलिटीज मेल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। प्लेलिस्ट में देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अबाउट नुएंसेस ऑफ लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर बैंड के ऊपर है, इसको भी हम पहले बहुत बार करवा चुके हैं, है ना, प्लेलिस्ट में डाल दिया है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ये एप्लीकेशन है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, TC है और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, मतलब SLC है, तीनों एप्लीकेशन एक ही है ना, तो ये तो आपको याद होगी ही, और नहीं है तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला है, यू आर मोहन स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, एक ही बात है, बहुत ही सरल और आसान है। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। यू आर आदित्य पॉल रेजिडिंग एट 53 विकास नगर उज्जैन, राइट ए लेटर टू पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग। ये भी हम करवा चुके हैं। अब इनफॉर्मल लेटर में, राइट ए लेटर टू ब्रदर टेलिंग हिम हाउ यू आर स्पेंडिंग समर वेकेशन। समर वेकेशन का भी हम करवा चुके हैं। ठीक है, देखिए पिछले 10-11 महीने से हम जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर रखे हैं, है ना, और जो नए जुड़े हुए हैं तो उनको मैं ये बता रहा हूँ कि आप राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर इनको देखें। यू आर भरत सिंह रेजिडिंग एट 9192 द्वारका कॉलोनी भिंड, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हरीश कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हिज ब्रिलियंट सक्सेस के ऊपर है ये, ऑलरेडी कंप्लीटेड, चेक राइटिंग स्किल प्लेलिस्ट। राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश जनरल मैथ्स नॉलेज। ठीक है, ये मैंने नहीं करवाया है तो इसको भी मैं जल्द ही करवाऊंगा। जो जो क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं करवाए हैं और इस क्वेश्चन बैंक में वो हैं तो उनको मैं सोल्व करवाऊंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, तो राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड, तो ये मनी ऑर्डर के लिए है, है ना, इसको भी आप अच्छे से कर लें। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू एल्डर ब्रदर सिस्टर्स मैरिज, करवा चुके हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू परमिट यू अटेंड टू मांडू, ये नहीं करवाया है तो इसको भी हम करवा देंगे। अब कंपोजिशन की बात करें, तो कंपोजिशन में आपका जो है यह आर्टिकल मेन कंप्यूटर मोबाइल, ये नहीं करवाया है तो इसको भी करवाना है, जल्दी करवा देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। ऐसे की बात करें, तो राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 250 वर्ड्स। तो इसमें जैसे पहला दिया गया साइंस है, ब्लेसिंग ऑफ कर्स, जैसे वंडर ऑफ साइंस का निबंध है, तो ये तो हमेशा आता ही, 99% इसके चांस रहते हैं। लेकिन इस साल ये COVID-19 कोरोना वायरस का साल रहा है, तो ये जो एफ में दिया गया है COVID-19, ये इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसकी प्लेलिस्ट
मतलब प्लेलिस्ट में इसके वीडियो मैंने डाले हैं राइटिंग स्किल के नाम से, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, कोविड-19 कोरोना वायरस के ऊपर जो ऐसे है उसकी, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है दोस्तों, इसके बावजूद आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। नंबर आप नोट कीजिएगा जिस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। नंबर है 9589661967। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियोज़ जो अभी तक मैंने डाले हैं वो वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोज़ को शेयर करें। सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन।